एक बार आ जाओ, चेक करवाइए गन्ना एक बार, यहाँ आ जाओ। ब्याज तो बढ़िया हो रहा है, देखो ब्याज तो जबरदस्त हो रहा है। और गन्ने की मोटाई भी, मोटाई बढ़िया हो रही है देखो फिलहाल। नूनी है जैसा कम टाइम का है, कम टाइम का है, नूनी है एक जगह घंटे ब्याज हो रहा है, बरीक रहेगा। मोटाई भी बढ़िया है और लंबा भी बढ़िया ले रहा, बिल्कुल हाइट बढ़िया चल रही। देख लो भाई इस तरीके से ब्याज हमारे बराबर में खेत है सामी, अभी पिचाण में ही है जी। अभी फागण का ब्याह है हमारा, गेहूँ कटाई में लब हुआ था और बराबर हो लिया उसका। नहीं तो फिर उससे ज्यादा लागत दे रखी हुई, लागत तो दी नहीं हमने इसमें। तो फिर क्या प्रभाव रहा, क्यों रहा, क्या कारण है? यू आलू थे ना इस खेत में। अच्छा आलू की वजह से, आलू की वजह से जान लगाई धरती ने इसमें। अच्छा नमी भी बनी रही उससे, नमी बनी रही और आलू का खेत जानदार हो जा जी सारा। वो लान जो आलू का वो इसमें ही गड़ा खेत में ही। अच्छा वो इसमें ही कटा, मिट्टी जानदार हो जा आलू की। अच्छा ये कारण है। नमस्कार भाइयों, आज पहुंचे हैं कार्तिक शर्मा के खेत पर ताना गांव में। तो भाइयों एक बार फिर से स्वागत करते हैं यूट्यूब चैनल उदयवीर अलावत पर। और आज जो है कार्तिक भाई का खेत दिखाऊंगे भाइयों। पीबी 95 में वैरायटी लगा रखी और इन्होंने कुछ अलग तरीके से बुआई करी इसकी। पहले कौन सी फसल थी वो भी जानकारी लेंगे और किस तरीके से बुआई कर रखी। भाइयों बहुत ही लेट वैरायटी बुई है और उसके बावजूद इतनी शानदार खड़ी, गेहूं की कटाई के आसपास की बुआई कर रखी इन्होंने इस खेत की, ये बता रहे अभी। तो भाइयों इस खेत के बारे में सारी कुछ जानकारी लेंगे और किसान भाई का परिचय कराऊंगे। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार जी, अपना परिचय करा दो एक बार किसान भाई। नाम कार्तिक शर्मा जी। जी, पिताजी का नाम संदीप शर्मा, गांव ताना जिला सामने जी। तो भाई जैसा आपने कुछ अलग तरीके से बुआई करी इसकी, पहले कौन सी फसल थी, कैसे बो रखा है? इसमें आलू बोए थे जी हमने। अच्छा और कौन सी वैरायटी है ये? पीवी 95। अच्छा पीवी 95 में। आलू किस तरीके से बोए थे? आलू मशीन तो बोए थे। अच्छा मुड्डा काट के हमने आलू आलू बोए थे इसमें। पिछले साल मुड्डा निकाल कर आलू बोए, आलू बोए बेड बना के। हाँ मशीन से जो बेड पे बोते हैं। हाँ जी, दो लाइन एक उधर एक उधर वाले में। हाँ जी। अच्छा वो बुआई करी। हाँ जी। और फिर जो गन्ना कैसे बोया? फिर आलू हमने लेट खुद दे में, 75 आलू थे जी। अच्छा हमने एक दिन पहले पानी दे दिया इस खेत में जी। पहले दिन आलू खड़े हुए में। हाँ जी आलू थे। अच्छा पहले तो मतलब साफ कर दिया पूरा खेत जी, जो घास पास था वो काट के पानी दे दिया पहले दिन। अगले दिन बीज घेर दिया सारे खुडों में। अच्छा जो खुड़ बने हुए थे। हाँ जी। बेड पर बेड थे, बेड पर आलू थे, बेड पर तो आलू थे। हाँ। जो बीच में थे गैर। हाँ। उनमें कैंची घेर दी। अच्छा पानी दे के? पानी पहले दिन दिया था। अच्छा, अच्छा। अगले दिन कैंची दे के जी। चलो और थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी करके चले गए फावड़े उस पर। अच्छा और फिर आलू खोद दू गए फावड़े जी। अच्छा तो अब इसकी चौड़ाई कितनी बन रही, मतलब लाइन से लाइन की? 4 फुट की चौड़ाई है जी। अच्छा 4 फुट की ट्रंच पे आए। हाँ जी। अच्छा तो ये पिछले साल, उससे पिछले साल भी था रहा ये गन्ना पी 95 में? हाँ गन्ना था हमारा। वो कौन सी बुआई थी? वो रिंग पिट की थी। अच्छा वो रिंग पिट की थी, अपने घर का ही मतलब बोया है? घर का ही बीज है। अच्छा घर का ही बीज है। पहले साल क्या एक्सपीरियंस रहा भाई इसका? एक्सपीरियंस बढ़िया रहा जी, रिंग पिट भी थी में। हाँ जी। अच्छा क्या लिखा रहा था वो? 120 प्लस का लिखा। अच्छा बीघे में 120 प्लस। हाँ जी। गोले शुद्धा? गोले शुद्धा बीज में गया। हाँ जी बीज में गया सारा। अच्छा तो ये लगभग कब की बुआई है मतलब? ये अप्रैल के आखिरी में पूरी जी। अच्छा अप्रैल के आखिरी की? हाँ 30 अप्रैल की। ये देखो भाइयों कितना शानदार गन्ना खड़ा, ये गेहूँ कटा लगे थे लोगों का। अच्छा हाँ जी तब की बुआई है? तब की बुआई है। और तब का ऐसा हो गया इतना बड़ा? हाँ जी। अच्छा आ जाओ, खैर डोज के बारे में भी जानकारी लेंगे, एक बार आ जाओ अंदर। चलो भाइयों अंदर से दिखाऊंगे। और बहुत ही साफ सुथरा गन्ना खड़ा और ट्रंच की बुआई कर रखी। वो जानकारी मैंने आपको दिलवाई थी किसान भाई से कि इसमें आलू थे और इन्होंने इस तरीके से बोया। देखो किसान, किसानों के सबके अपने अलग अलग तरीके हैं। ये देखो जी इस तरीके से है। अच्छा जुताई कब करी थी जैसा घासा हो रहा? जुताई तो जी घने दिन हो लेकर रखी है। अच्छा और हो लिया जी एक सवा महीना पहले करी थी। अच्छा एक सवा महीना पहले करी थी। तो फिलहाल तो भाई किसी भी तरह का रोग नहीं? अच्छा ऐसा लाइन है इस टाइप, इस तरह फिलहाल तो कोई रोग नजर नहीं आ रहा भाई? रोग आया नहीं इसमें, रोग है ही नहीं बीज में इसमें। अच्छा अगर इस पर बुआई की बात करें तब आपने आलू खड़े खड़े आलू में बोया है? हाँ जी। फिर इसमें कुछ डोज दी थी उस टाइम? उस टाइम कुछ नहीं करा था हमने, बस में कांची दबा दी, कांची दबा दी थी। अच्छा आलू खोद दे। हाँ जी
पहला पानी दिया कोर दी जब गिरता पर यूरिया डाई आ रही जाएंट बस। अच्छा फिर इस पर जब गिरा। हाँ जी। अच्छा और फिर स्प्रे वगैरह? एक स्प्रे करी थी बस। अच्छा एक स्प्रे भी कर दी। हाँ। वो क्यों करी? रोग तो था ही नहीं, वही कर दी साहब धन्य के तौर पे शुरू में करे लग रहे थे मगर एक फुहरा स्प्रे भी मार था। अच्छा वो इस तरीके से करी। हाँ। अच्छा तो और इसकी अब लाइन से लाइन की दूरी कितनी बन रही बता रहे थे आप? 4 फुट की दूरी है जी। अच्छा 4 फुट की दूरी है। हाँ। तो जैसा बेड का हिसाब था इसकी बढ़िया लाइन बन गई उससे? नुक्के नहीं आया तो मशीन तब हुए जी। अच्छा आलू मशीन तब हुए थे नुक्के नहीं सीधे। अच्छा बेड तो नहीं था 4 फुट का बेड था एक। हाँ। और फिर आगे दूसरा 4 फुट का था। हाँ। बीच में खाल था वो। हाँ। उसमें गिर दी हमने कंची पर। उसमें कंची गिर दी। तो ये आइडिया कैसा है दिमाग में ऐसे भी कर लें इसको? वो तो दिख रहा था ही नुक्का नहीं मगर और क्यों बहती थी यार खोड़ पड़ा है। अच्छा नुक्के नहीं बो दिया हमने। अच्छा लाइन साफ थी में? हाँ जी। कुछ साफ सी करके वैसे ही बो दिया। हाँ जी। अच्छा तो और बीज के बारे में क्या बताना चाह रहे हैं आप? मतलब अग कितनी डोज मांगे स्प्रे मांगे नहीं मांगता? कुछ नहीं मांगने का स्प्रे कुछ नहीं मांगता। अच्छा आपने तो कर दी बस? कर दी वा एक कर दी पिछले साल दो करी थी एक ही करी और करा भी नहीं दिया। अच्छा नहीं ये तो बिल्कुल बताओ भाइयों देखो कितना आ रहा है। हाँ कितना आ रहा है भरा है बहुत ही शानदार पत्ती लटक मा इसकी हो गई है। हाँ बिल्कुल दूर तो है ही नजर आवे ये देख लो जी ऊपर ऊपर को हाथ उठाकर दिखा रहा मैं ये देख लो खेत वहां तक खड़ा और ये इस तरीके से खड़ा भाइयों सारा। ये कितने बीघे का? ये 6 बीघे है जी। अच्छा ये 6 बीघे खेत है। अच्छा तो अब भी कोई डोज दोगे जैसा मान लिया बरसात का मौसम शुरू होगा अब कब नहीं दे रहे कुछ जरूरत नहीं ना कैल्शियम गिर देगा थोड़ा सा? अच्छा जी पूरी सी बन जाएगी जब गिरेगा भी नहीं गिरता कुछ भी। नहीं चल तो ये अच्छा रहा। हाँ। तो अब जुताई का तो कोई चांस है नहीं बस? ना ना कोई भी। अच्छा और जैसा गिरने वगैरह की स्थिति क्या है बीज किसकी? गिरता नहीं बिल्कुल भी। अच्छा मारा तो गिरा नहीं था रिंग पिट में था पिछले साल। हाँ। वो तो गिरा नहीं था नहीं जैसा ये ट्रंच में है ट्रंच का हमने बिला का पहली बार बोया जी। अच्छा ट्रंच का पहली बार बोया नहीं वैसे जड़ का क्या कंडीशन है इसकी जड़ों की कुछ जड़ मजबूत है जी। अच्छा जड़ इसकी गहराई लो ज्यादा है काफी। अच्छा मजबूत जड़ है। मजबूत जड़ है जितना बढ़ता जाएगा जड़ उतनी नीचे पहुंचती जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल ये देखो भाई ये देखो जी लाइनिंग कितना शानदार गन्ना बन रहा है। थोड़ा सा खरपतवार हो गया भाई का कुछ बरसात का मौसम चल गया इसमें ये 4-5 दिन में ही हो जा रहा इसके तो 1 महीने की जुताई हो रही। आज दूसरी लाइन भी दिखाऊं ये देखो जी सारी लाइन ऐसी है ये इसमें डोल ऐसे डोल आ गई का? हाँ जी। अब किस सारू में ही बना रखी है ऐसा? ये बना दी थी सारू में। अच्छा ये किस चीज से बनाई? फावड़े तो बनाई थी। अच्छा मिट्टी नहीं चढ़ाई आपने? नहीं नहीं इसमें कुछ कोने का वो था अच्छा। बुआई नहीं था। अच्छा इसमें बुआई नहीं करी? ना ना ये मिट्टी चढ़ाओगे इतना अब चढ़ाओगे क्या? हाँ जी। और अब लग जाएगा मौका? लग जाएगा मौका तो कोई अपने हाथ में है जी मौका। मिट्टी किस चीज से चढ़ाओगे फिर? अब मशीन तो चढ़ाओगे हाथ वाली मशीन है। अच्छा वो चढ़ा देगी? हाँ जी। अच्छा ये देखो ये सारी लाइन इस तरह खड़ी। अच्छा वैसे चल भी बराबर होकर आ बिल्कुल बिल्कुल एक सार है जी हैं? हाँ बिल्कुल एक सार चल रहा है सारा खेत। हाँ जी लगाया खेत में तो भी बिल्कुल बिल्कुल इसे तो देख कर भाई गन्ने को। हाँ। कोई भी किसान देख लगा तो ये कहेगा भाई यही बीज है बस शानदार और बीज है भी जानदार है भी हुई जी। है जी हम तो लगा नहीं इसका बढ़िया बीज जी कोई जी। हाँ। नहीं बस कुछ मील जो है वो आना कानी करे वो पता नहीं कैसे करेंगे आज वो उनकी वो है मील वालों की हम तो इसका बढ़िया लगा नहीं जी। हाँ। ये अपना मील तो ले रहा ना से मील तो सारे ले वगे सा जी मना तो सारे कर रहे ले वगे भी सारे बिल्कुल बिल्कुल नहीं थोड़ा थोड़ा कही हूँ जागा इतना बुआई हो रही बिल्कुल और नहीं थोड़ा थोड़ा अगर किसान बोले तो कोई दिक्कत नहीं। नहीं मेरे गाँव में ज्यादातर सबने बो रखा है। अच्छा सबने लगा रखा सबका अच्छा ही खड़ा सबका बढ़िया खड़ा। तो भाइयों ये देखो 3-4 वैरायटी है। तो भाई जैसा मान लिया पिछले साल लाए थे ये कहाँ से लाया था? पिछले साल तो जब हम पंजाब से लाए थे फाजिलका का। अच्छा पंजाब से लाए थे ओरिजिनल बीज है ओरिजिनल वहाँ से ही लाए थे किसान के यहाँ से। हाँ जी। अच्छा 3-4 ही है जी। क्योंकि इसमें और भी बीज है ना? ना ना 95 है। अच्छा ये 95 है। तो भाई ये देखो ये बहुत ही शानदार खेत खड़ा ये मैंने दिखा दिया कार्तिक भाई का खेत और ये और दिखा देता हूँ आपको ये देख लो जी ये थोड़ी बीच में इसमें खोड में डोल बना रखी। अच्छा ये बस मिट्टी आसानी हो जाएगी बस इधर इसे करने में जो बीच में लगा रखी तुमने या नहीं? हाँ जी ये देख लो भाई
अच्छा ब्याह तेरा तो ला भाई फिलहाल, एक बार आ जाओ चेक करवाइए गन्ना, एक बार यहाँ आ जाओ। ब्याह तो बड़े हो राज, देखो ब्याह तो जबरदस्त हो रहा। और गन्ने की मोटाई भी देखो, मोटाई बढ़िया हो रही देखो फिलहाल। नूनी है जैसा कम टाइम का है, कम टाइम का है, नूनी है एक जगह घंटे ब्याह हो रहा, बरीक रह गया, मोटाई भी बढ़िया है और लंबा भी बढ़िया ले रहा, बिल्कुल लाइट बढ़िया चल रही। देख लो भाई इस तरीके से ब्याह तुम्हारे बराबर में खेत है स्वामी। हाँ अभी पिचाण में ही है जी। हाँ हाँ अभी फागण का ब्याह है हमारा, गेहूँ कटाई में लब हुआ था और बराबर हो लिया उसका। नहीं तो फिर उससे ज्यादा लागत दे रखी हुई, लागत तो दी नहीं हमने इसमें। तो फिर क्या प्रभाव रहा, क्यों रहा, क्या कारण है? यू आलू थे ना इस खेत में। अच्छा आलू की वजह से, आलू की वजह से जान लगाई धरती ने इसमें। अच्छा नमी भी बनी रही उससे, नमी बनी रही और आलू का खेत जानदार हो जा जी सारा, वो लान जो आलू का वो इसमें ही गड़ा खेत में ही। अच्छा वो इसमें ही कटा, मिट्टी जानदार हो जा आलू की। अच्छा ये कारण है। तो भाई देखो आलू के बाद लगाया उन्होंने, आलू खड़े थे, आलू की खुदाई बाद में हुई और ये गन्ना लगाया पीपी चाण में और बहुत ही शानदार खेत चल रहा कार्तिक भाई का। और ये बनना आपको सारा खेत दिखा दिया इनका। तो भाइयों ये आज कार्तिक भाई के खेत की वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। सब्सक्राइब और लाइक करना। नमस्कार।